फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादातर ऐसी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गेट के अगल बगल में और कई जगह पर पार्किंग एरिया में भी रखा जाता है, कई जगह पर इसे गमले में भी ग्रो किया जाता है। बहुत ही शांत पौधा है और बहुत ही कम केयर के साथ ये पौधा है वो ग्रो होता है, और बिगनर के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसकी दोस्तों एक से ज़्यादा वेराइटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पौधा दोस्तों फाइकस का पौधा है, जैसे फाइकस बेंजामिना आता है दोस्तों, उस तरह से इसमें स्टार लाइट फाइकस भी आता है, जो एक वेरीगेटेड वेराइटी होती है। उसके पत्तों में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको वेरीगेशन देखा जाएगा, कुछ दोस्तों गोल्डन प्रकार के पत्तों वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें जो शाइनिंग होती है दोस्तों, उसमें डिफरेंस होता है, ब्लैक टाइप के पत्ते वाला भी आपको दिख जाएगा। तो ये सभी जो पौधे होते हैं दोस्तों, उसका फैमिली तो फाइकस ही है, फाइकस फैमिली से ही बिलोंग करता है। सेम सभी की केयर है वो मिलती जुलती ही आती है, थोड़ा बहुत ग्रोथ या तो ग्रोइंग पीरियड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कुछ पौधे हैं दोस्तों वो बहुत ही बड़ा ट्री भी बन जाते हैं। कुछ ऐसी वेराइटी होती है दोस्तों, जब आप नर्सरी से लाए या तो कहीं से भी पौधा लाए, तो शुरुआती दिनों में आप अच्छे खासा इसको केयर करें दोस्तों, तो इसका बोनजाई लुक भी दिया जा सकता है। गमले में आप आसानी से उसे भी ग्रो कर सकते हो दोस्तों, लेकिन रूट पर, उसकी ब्रांचेस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ये सब वर्क है दोस्तों वो एक साल के बाद आपको करना चाहिए, जब भी आप बोनसाई के लिए कोई पौधा तैयार करें दोस्तों। अब दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत बेसिक आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, तो वैसे दोस्तों ये पौधा है दोस्तों वो किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, तो पहले तो दोस्तों आपको रेडीमेड नर्सरी से भी ये पौधा मिल जाएगा। यदि इस तरह के पौधे दोस्तों आपको नर्सरी से नहीं मिलते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटी में नर्सरी से मिल जाएगा, तो आप कटिंग से भी किसी भी वेराइटी को दोस्तों, फाइकस की वेराइटी को कटिंग से भी लगा सकते हो। कटिंग से लगाना है दोस्तों वो बहुत ही आसान होता है, सही मौसम का चुनाव कीजिए। हो सके दोस्तों तो बारिश के सीजन में इस तरह के पौधे हैं वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही कम केयर के साथ होते हैं, क्योंकि ये बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसमें दोस्तों एक कटिंग से, इसके अलावा एयर लेयरिंग से भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। कुछ बड़ी वेराइटी होती है दोस्तों, उस तरह के उसमें सीड भी लगते हैं, तो उससे भी ये ग्रो हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा ट्री हो चुका है, तो इसमें अच्छे शेप के लिए दोस्तों आपको समय समय पर इसमें प्रूनिंग कर लेना चाहिए। उससे कई जगह पर पार्किंग एरिया में आपने देखा होगा कि इसमें अच्छा खासा लुक या तो डेकोरेटिव एक प्लांट की तरह हमें दिखता है, असल में वो एक प्रूनिंग किया होता है दोस्तों, तो एक शेप बन जाता है। और इस पौधे को इतनी डिज़ाइन नहीं दी है, अपने आप ही ये ग्रो हो चुका है दोस्तों। मेरे पास कुछ और भी दोस्तों इसकी वेराइटी है, मैंने गमले में भी ग्रो की है, तो वो दोस्तों बोनजाई के लिए भी कुछ पौधे है वो तैयार कर रहा हो। ये मुझे एक जगह पर पेड़ दिख गया दोस्तों अब फाइकस का, तो क्यों ना इसके साथ भी आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये ट्री हो चुका है, तो इसको सही समय पर दोस्तों कटिंग छटिंग करके प्रूनिंग किया जाए तो ये भी अच्छा डेकोरेटिव पौधा है वो बन सकता है। इसमें थोड़ी मिट्टी की बात करूं दोस्तों, तो यदि आप ग्राउंड में ग्रो कर रहे हो या तो गमले में ग्रो कर रहे हो दोस्तों, गमले में हो तो गमले के नीचे वेल्ड्रन वॉल करना जरूरी उचित होगा, और इसके लिए दोस्तों आपको वेल्ड्रन मिट्टी है वो तैयार करनी चाहिए। जमीन में हो दोस्तों तो ये किसी जगह पर और किसी भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाएगा। थोड़ी आड़ी जमीन हो दोस्तों तो उसमें आप अच्छी खासी थोड़ा गड्ढा करके थोड़ी पोरस मिट्टी इसमें तैयार कर सकते हो, अदरवाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा केयर वाला ये पौधा नहीं है। और गमले में दोस्तों वेल्ड्रन मिट्टी ही तैयार कीजिए, आसानी से किसी भी मिट्टी में ये ग्रो हो जाएगा। गमला दोस्तों थोड़ा बड़े साइज का भी आप ले सकते हो, बाद में बार बार इसे रिपोर्टिंग ना करना पड़े। रिपोर्टिंग की बात करूं दोस्तों तो इसे रिपोर्टिंग भी उचित मौसम में ही करना चाहिए, और इसका जो कटिंग है दोस्तों वो भी उचित मौसम में ग्रो करना चाहिए। बारिश का मौसम है इसके लिए बेस्ट है, रिपोर्टिंग के लिए भी और नया पौधा है वो ग्रो करने के लिए भी। इसे कटिंग से और एयर लेयरिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें वाटरिंग की बात करूँ
तो गमले में हो दोस्तों, तो गमले के लिहाज से वाटरिंग का प्रयोग कीजिए। पत्तों पर आप गर्मियों के मौसम में स्प्रे भी कर सकते हो। सर्दियों में दोस्तों इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बहुत ठंड हो दोस्तों तो ओवर वाटरिंग भी इसे नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी से दोस्तों इसमें दिक्कत आ सकती है। इसमें धूप छाव की बात करूँ दोस्तों, तो ये फाइकस में थोड़ा बहुत धूप इसे पसंद होता है, लेकिन बहुत तेज धूप नहीं दोस्तों। ग्राउंड में हो तो बर्दाश्त कर लेगा, यदि गमले में हो दोस्तों तो फिल्टर प्रकार की धूप आती हो, किसी भी प्लांट के अगल बगल में इसे रखे तो बहुत तेज धूप से इसे बचाया जा सकता है। इसमें फर्टिलाइजर की बात करूँ तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लिक्विड फर्टिलाइजर, ये सभी खाद है उसके लिए उचित है। इस पौधे के लिए दोस्तों आप मंथ में, दो मंथ में एक बार इसे जरूर ही और पौधों को साथ भी खाद दे सकते हो। और दोस्तों इसमें डिसीज की बात करूँ तो ये इसमें कोई ज़्यादा प्लांट में डिसीज या इंसेक्ट लगने के चांस कम होते हैं, लेकिन लग जाए दोस्तों तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।